ये सरफराज अहमद और नवाज शरीफ वाला मामला सेम सेम ही, आप समझ जाइए कि क्या हुआ दोनों। नवाज शरीफ भी वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं रहे, लेकिन 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 हसनैन सरफराज धोखा नहीं देता। पूरी कैंपेन उन्होंने की कि नवाज शरीफ सरफराज को धोखा दे दिया गया। अभी उल्टा ग्लैडिएटर्स ने पूरी कैंपेन की कि सरफराज अहमद उनकी कप्तान होंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ डे हमें पता चला कि सरफराज अहमद उनकी कप्तान नहीं है। लेकिन खैर डिस्पाइट ऑफ दैट, हम अगर पीएसएल की बात कर लें तो देखिये कैनिक को आपका एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इसमें बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आके खेले, लेकिन हमें हम जानते हैं बींग ए नेशन, पाकिस्तान की नेशन जानती है कि हमने किसी की ब्रांड वैल्यू किस तरह कम करनी है, किसी बड़े हाइप वाले इवेंट की वैल्यू किस तरह कम करनी है, किसी कंपनी को किस तरह तबाह करना है। और ये तमाम तर चीजें पीएसएल में हुई है। और दूसरा वो नासिर कह रहे थे ना कि तमाम तर जल्दी में हुई है, दिन की रोशनी में हुई है, तो एक पंजाबी का जुमला है डंक टपाओ। जब तमाम तर लोग सियासत में बिजी थे, पॉलिटिक्स में बिजी थे, तो उन्होंने डंक टपा दिया। और आप तमाम तर चीजें बाद में शायद आप देखेंगे कि इसका बिल आएगा तो वो एक भारी भरकम बिल होगा, लेकिन जो सर्विंग हुई है वो आपके सामने है। इससे पहले भी दो पीएसएल ऐसी हो चुकी है मुनीब कि उसकी एक सर्विंग थी वो कोई इतनी ज्यादा दीदनी नहीं थी। इस दफा देखना पड़ेगा तकरीबन कुफर टूटा खुदा खुदा करके कि अली जफर को तो वापस लाया गया है। एक जबरदस्त गाना मैं आपको ये तस्दीक के साथ बता सकता हूँ कि आपको एक दो दिन में सुनने को मिलेगा, लेकिन अब देखते हैं कि इसकी ओपनिंग सर्विंग कैसी होगी, क्योंकि इससे पहले बड़ी फीकी सी ओपनिंग सर्विंग भी होती थी, लेकिन उस फीकी सर्विंग में भी करोड़ों रुपए के अखराज हो जाते थे। सो ये करोड़ों रुपए के अखराज जो है ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए शायद हम वो ओपनिंग सर्विंग करते हैं, क्योंकि ओपनिंग सर्विंग तो किसी पीएसएल की नहीं बल्कि मोहल्ले के टूर्नामेंट की लग रही होती है। अच्छा हसनैन, सरफराज की बात हो रही है तो उसमें ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कैप्टेंसी किसको मिलने जा रही है, या आपके ओपिनियन में होना किसको चाहिए? देखिए सरफराज के हवाले से, सरफराज इज अ वेरी गुड कैप्टन, उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को टाइटल भी जितवाया, फिर रनर अप भी बनवाया। इसके इससे पहले अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लीजिए तो पाकिस्तान को ट्रॉफी जितवाई, अंडर 19 का वर्ल्ड कप जितवाया। लेकिन देखिए सरफराज के जो पिछले एक दो साल में मैं परफॉर्मेंसेस देख रहा हूँ, सरफराज हमें भी बड़े पसंद हैं, हमारा उनके साथ जाती ताल्लुक है, लेकिन सरफराज वो सरफराज नहीं रहे। शायद कहीं ना कहीं वो टेस्ट क्रिकेट में हमें परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब हम T20 क्रिकेट की बात करते हैं तो पिछले सीजन के 9 मैचेस में सरफराज ने अगर आप कुल मिला के रन लगा लें तो वो 100 से भी कम रन बनाए होंगे। जब आपकी अपनी परफॉर्मेंसेज नहीं होती बल्ले के साथ, जब आपकी इवन डेकेंड पे भी कुछ ना कुछ कैसेज ड्रॉप होते हैं, तो जब आप बींग ए लीडर एग्जाम्पल सेट नहीं करते तो उसके बाद फ्रेंचाइज क्रिकेट है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट तो है नहीं कि किसी का चाचा मामा अगर कहीं सेट है या किसी के साथ पीआर कंपनी अच्छी है तो कप्तान बरकरार रख लिया जाए, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है। देखते हैं और इसी वजह से नदीम उमर साहब ने भी देखा है और शेन वॉटसन ने भी देखा है कि इट्स द टाइम कि क्वेटा ग्लैडिएटर को अगर हमने मजबूत करना है तो राइली रूसो को जो है वो लाया जाए। और मेरा ख्याल है कि अगर सरफराज ने परफॉर्म ना किया तो सरफराज नेक्स्ट ईयर में आपको शायद विकेट कीपिंग करते हुए नहीं बल्कि कोई मेंटोरिंग करते हुए क्वेटा ग्लैडिएटर की नजर आए, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है कि जो जो आप रफ एंड टफ और वीएनटी आ जाता है तो उसके बाद आप थोड़ा सा पीछे आपको धकेल दिया जाए। और हसनैन अभी तो शायकीन को ये उम्मीद भी थी ना कि पीएसएल के मैचेस जो हैं वो कराची, लाहौर, रावलपिंडी या मुल्तान के अलावा भी दीगर शहरों में खेले जाएंगे, लेकिन वी डोंट थिंक सो कि ऐसा होता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। नहीं ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये मुझे लगता कि इस तरह पीएसएल को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। पिशावर में मेरा ख्याल है कि अगले साल आपको पिशावर में मैचेस नजर आएंगे पीएसएल के। इसमें थोड़ा सा मैं कसूरवार ठहराऊंगा रमीज हसन राजा साहब को, जो कि पिछले साल ये कहते रहे कि हमारे पास सेफ वेन्यू ही 3-4 है, हम पिशावर में तो मैच करवा नहीं सकते, तो हमें इलाकों को खुद से सिक्योरिटी रिस्क नहीं बनाना। पिशावर का अरबाब नियाज़ स्टेडियम कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगा, कुछ ही महीनों में तैयार हो जाएगा, उसके बाद आपको पिशावर में भी आप मैच करवा सकते हैं। फिर आप क्वेटा में, अभी तक मुझे स्टेडियम नजर नहीं आ रहा, लेकिन फैसलाबाद का स्टेडियम है, शेखोपुरा है, गुजरांवाला है, आपने इन स्टेडियम पे सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो देनी है, करोड़ 1.5 करोड़ रुपया लगना है। आपके 5-10 वेन्यूज अगर तैयार हो गए तो आपका जो पीएसएल का ब्रांड है डेफिनेटली मजबूत होगा। तो मुझे आपका जो सवाल है ना कि पीएसएल एक्सपेंड होती हुई आपको नजर नहीं आ रही, मुझे लगता है कि पीएसएल को अगर एक्सपेंड नहीं करेंगे तो ये ब्रांड वैल्यू कम करने वाली बात होगी, क्योंकि जब जब छोटे इलाकों में जाएगी, छोटे शहरों में जाएगी, तो आवाम का जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा आएगा पीएसएल की जाने पर, ज्यादा क्राउड के साथ ही तमाम तरह जो लीग्स हैं वो कामयाब होती हैं। अच्छा मैंने अभी मेरे जेन में आया क्योंकि आपने वो इंटरेस्ट की बात की ना, तो इस बार मुझे वो थोड़ा सा मोराल जो है ना कम लग रहा है ऑडियंसिस का, मतलब पाकिस्तान सुपर लीग आ रही है। आई रिमेम्बर एक टाइम होता था सारे एक्साइटेड होते थे, यार पीएसएल आ रही है, पीएसएल आ रही है, पीएसएल आ रही है, वो एक्साइटमेंट मुझे थोड़ी सी कम महसूस हो रही है।
देखिए वो अंडरस्टूड है मुनीब के एक्साइटमेंट इस वजह से कम है कि आपके इलेक्शंस हुए, अभी इलेक्शंस के बाद अभी गेमा गेमी है कि कौन आपका प्राइम मिनिस्टर बनेगा, फिर उसके बाद एक कैबिनेट बनेगी, तो वो तमाम सब चीजें जो है ना थोड़ा सा डाइवर्ट हो चुकी है और ये सब आपको इसी तरह ही नजर आएगी। एक दिन आपको पॉलिटिकल चीजें नजर आएंगी, दूसरे दिन आपको पीएसएल नजर आएगी। बेसिकली पीएसएल हमेशा से फेब और मार्च के महीने में होती है और ये जो दो महीने इसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी भी इतनी ज्यादा नहीं होती और कोई भी और एक्टिविटी नहीं होती, या तो कोई स्नोफॉल हो रही होती है आपके नॉर्दर्न रीजन में या फिर पीएसएल हो रही होती है, तो यही दो एक्टिविटी होती है। इस वजह से ये थोड़ा सा हाई पकड़ जाती है, ऊपर से सर्दियों पे तो आवाम का भी इंटरेस्ट होता है कि दिन को जाके धूप में मैच देखें और एंजॉय करें, तो ये रीजन इस वजह से ऐसी हैं कि जिसमें आपको पीएसएल का चांद कम नजर आ रहा है। लेकिन पीएसएल जब से स्टार्ट होगी तो पीएसएल इतना बड़ा, पाकिस्तान की हद तक इतना बड़ा ब्रांड जरूर है कि पीएसएल एक दफा हिलाता जरूर है तमाम तर मीडिया को भी और तमाम तर आवाम को भी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दफा भी पीएसएल की जो रानाइए हैं वो 17 के बाद आपको देखें।